So shall we start? So we got an ideal, okay? So हमने क्या किया, x एक एलिमेंट चूज किया a माइनस n में, दैट इज x इज नॉट निलपोटेंट. x एक ऐसा एलिमेंट है जो निलपोटेंट नहीं है. तो हमने ये कलेक्शन ले ली सिग्मा, वो आइडियल्स a के, साइड दैट x रेज टू पावर k डज नॉट बिलोंग टू i फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स k. तो इससे हमें एक मिल गया एन आइडियल, वी गॉट ए मैक्सिमल. सो वी गॉट ए मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ सिग्मा. तो हमें सिग्मा का एक मैक्सिमल एलिमेंट मिला, मतलब दैट इज टू से दैट ए मैक्सिमल आइडियल पी मैक्सिमल आइडियल पी सच दैट एक्स रेज टू पावर के डज नॉट बिलोंग टू पी फॉर ऑल के बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर. ओके, तो हमने अभी तक ये कर लिया. ओके, तो मैक्सिमल आइडियल्स तो प्राइम आइडियल्स भी होते हैं, है ना. सो पी इज ऑल्सो ए प्राइम आइडियल. सो दिस मीन्स पी इज ऑल्सो ए हाँ. अब यहाँ चीज़ है, ये पी मैक्सिमल एक्चुअली नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. ये इसका मैक्सिमल एलिमेंट तो है इस सिग्मा का, लेकिन ए का मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो. इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा पहले, है ना. वी हैव टू एक्चुअली शो दैट इट इज़ मैक्सिमल. ओके, जस्ट वन मिनट. नहीं, मैक्सिमल हो गई है, मैक्सिमल इज, इट इज मैक्सिमल, बट वी हैव टू इंश्योर दैट इट इज प्राइम. सो वी विल शो दैट we will show that p is a prime ideal. हम अब इसको prime ideal दिखाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर ये maximal है तो ये prime होगा ही, बिकॉज इन ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम. तो ये प्राइम है ना. सो दिस इज प्राइम, नो नीड टू शो इट. सो दस पी इज ए प्राइम आइडियल ऑफ ए. सो पी इज ए प्राइम आइडियल ऑफ ए, ठीक है. सो अगर ये पी प्राइम है तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू पी. सो सिंस एक्स रेज टू पावर के डज नॉट बिलोंग टू पी फॉर ऑल के पॉजिटिव इंटीजर्स के, सो दिस इन पर्टिकुलर शोज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू पी.
एक्स पी में नहीं होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू पी, क्योंकि के इक्वल टू आप वन रखेंगे जब तो आपको मिलेगा ये. सो एक्स पी में नहीं है, व्हाट डज इट मीन? एक्स प्राइम आइडियल्स के इंटरसेक्शन में नहीं है ना. सो दिस मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ पी साइड दैट पी आइडियल इन ए एंड पी इज प्राइम आइडियल. पी इज प्राइम आइडियल. सो दिस मीन्स वॉट? दिस मीन्स एक्स इज नॉट नाउ ए मेंबर ऑफ एन डैश, बिकॉज एन डैश इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम आइडियल्स बाई अवर अजम्पशन. सो एक्स एक्स सो दिस मीन्स सो हमें मिला क्या? सो दस एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस एन, दैट इज सेट ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स. implies x does not belong to n dash. So in other words, it implies that x belongs to n dash implies x belongs to n. अगर इसका उल्टा देखेंगे, because x अगर निलपोटेंट नहीं है तो एक्स इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम आइडियल्स में भी नहीं है. सो द रिवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट, आर द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट, अगर एक्स एन डैश में है तो देन एक्स मस्ट हैव टू बी द निलपोटेंट एलिमेंट. सो दस वी गेट दैट एन डैश इज सबसेट ऑफ एन. सो हेंस एन इज सेम एज एन डैश. Hence, n is same as n dash. Okay, and the theorem is proved. And the theorem is proved. So thus, the nil radical of a ring is the intersection of all the prime ideals of the ring. So, the nil radical of a ring is the intersection of all the prime ideals of a ring. Okay. सो यहाँ पे थोड़ा मुझे अभी आई हैव डाउट ऑन दिस स्टेप कि हमें पी जो है ये मैक्सिमल आइडियल होगा या नहीं होगा. जस्ट आई हैव टू जस्ट रीथिंक ऑन दिस स्पॉट. व्हाट डू यू से? ये जो हमें मैक्सिमल एलिमेंट मिल गया ना सिग्मा का, तो क्या ये मैक्सिमल एलिमेंट होगा ए का जो मैंने ये लिखा? ये जो मैं जिसको मैंने रेड रेड से मैंने इसको हाईलाइट किया है, जस्ट हैव टू रीथिंक ऑन दिस. सिग्मा का तो मैक्सिमल एलिमेंट मिल गया आपको, लेकिन ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा जरूरी, क्योंकि सिग्मा मत है कलेक्शन ऑफ ऑल प्रॉपर आइडियल्स. मैक्सिमल एलिमेंट के लिए आपको सारे प्रॉपर आइडियल्स में देखना है कि ये कंटेंट किसी में मत कंटेंट है. इज इट क्लियर? हाँ, तो जरूरी नहीं है ये मैक्सिमल आइडियल हो. सो मैं इसको क्रॉस करता हूँ यहाँ. ये जरूरी नहीं है ये मैक्सिमल आइडियल हो. तो अगर आपको P को प्राइम दिखाना है तो आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा. सो दस P इज ए प्राइम. जो मैं यहाँ तो मैं सिंपली मैक्सिमल से इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये प्राइम है. अलबत्ता इसको देखना है, ये मैक्सिमल तो जरूरी नहीं है. अभी हमें इसको प्राइम शो करना पड़ेगा इनफैक्ट. सो वी हैव टू शो इट दैट इट इज प्राइम आइडियल. ओके, तो जस्ट वी कैन जस्ट सी इट दैट इट इज प्राइम.
उसके लिए आप, सो लेट लेट ए बी बिलोंग टू ए सच दैट द प्रोडक्ट ए बी बिलोंग्स टू पी. सो वी हैव टू शो दैट इधर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी. तो हम कंट्राडिक्शन से जाएंगे. वी एज्यूम ऑन कंट्री दैट नीदर ए नॉर बिलोंग्स टू पी नॉर बी बिलोंग्स टू पी. सो सपोज ए डज नॉट बिलोंग टू पी एंड बी ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू पी. तो अगर ए पी में नहीं है तो देन इफ यू टेक द आइडियल पी प्लस ए ए, ये ए ए मीन्स आइडियल जनरेटेड बाई ए. तो मैं अब यहाँ सम ऑफ टू आइडियल ले रहा हूँ, एक आइडियल पी है और दूसरा आइडियल ए ए है. ठीक है, तो सम ऑफ टू आइडियल्स इज एन आइडियल और ये कंटेन करता है दोनों आइडियल्स को. सिंस ए इज नॉट इन पी, सो सो दिस मीन्स दिस पी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन दिस आइडियल पी प्लस ए. जस्ट सी इट हाउ. एंड इफ आई टेक द आइडियल जनरेटेड बाई बी देन पी इज ऑल्सो प्रॉपरली कंटेन्ड इन पी प्लस बी ए. ओके, एंड पी इज मैक्सिमल इन सिग्मा एंड पी तो सिग्मा का मैक्सिमल है. इसका मतलब ये दोनों फिर सिग्मा के मेंबर नहीं हो सकते. दीज टू आर नॉट मेंबर्स ऑफ सिग्मा, क्योंकि पी इन दोनों में कंटेन हो रहा है. सो दीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ सिग्मा. सो हैंस पी प्लस ए एंड पी प्लस बी ए दे डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन सिग्मा. द कलेक्शन सिग्मा. सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिग्मा में नहीं है दोनों तो इसका मतलब हो गया कुछ एक्स की पावर्स होंगी जो इन दोनों में बिलोंग करेंगी. सो एक्स रेज टू पावर के बिलोंग्स टू पी प्लस ए एंड एक्स रेज टू पावर एल बिलोंग्स टू पी प्लस बी ए फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स के एंड एल फॉर सम के एंड एल बींग पॉजिटिव इंटीजर्स. देन इफ आई टेक एक्स रेज टू पावर के प्लस एल दैट इज गोइंग टू बी एक्स रेज टू पावर के एक्स रेज टू पावर एल. तो ये अब इसमें होगा, इस आइडियल में होगा फिर पी प्लस ए बी ए विच इज एक्चुअली सेम एज पी प्लस ए ए मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस बी ए. ये दोनों आइडियल का प्रोडक्ट है, आइडियल प्रोडक्ट यू नो. तो अगर अब के प्लस एस, के प्लस एल भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, के प्लस एल बिलोंग करता है जेड प्लस में, इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर. तो इसका अब एक्स की कोई पावर जो है वो यहाँ लाई होगी इस आइडियल में. सो दिस एक्चुअली इम्प्लाइज दैट दिस आइडियल इज ऑल्सो नॉट ए मेंबर ऑफ सिग्मा. सो पी प्लस ए बी ए दिस आइडियल इज ऑल्सो नॉट ए मेंबर ऑफ सिग्मा. ओके, बट यू हैव ए बी बिलोंग टू पी. आपकी अजम्पशन है कि ए बी पी में है. इफ ए बी पी में है तो ये आइडियल फिर पी के बराबर होगा, बट ए बी बिलोंग टू पी. सो दिस आइडियल पी प्लस ए बी ए बी ए ये तो फिर पी के ही बराबर होगा. ओके, क्योंकि पी तो इसमें कंटेंड है ना, एक तरफ से पी तो इसमें कंटेंड है. पी इज कंटेंड इन दिस पी प्लस ए बी ए. लेकिन अगर ए बी पी में होगा तो ये इसमें रिवर्सली कंटेन हो जाएगा, इट वुड बी रिवर्सली कंटेंड हियर. ओके, सो ये पी के बराबर हो गया. लेकिन पी तो सिग्मा का मेंबर है,
ये कंट्राडिक्शन आ गई, ये कंट्राडिक्शन। ठीक है भाई, तो पी को हमने प्राइम दिखा दिया है, यहां से आप डायरेक्ट नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये प्राइम है, क्योंकि ये मैक्सिमल हम जो कह रहे हैं ना, ये मैक्सिमल जरूरी नहीं है हो। मैक्सिमल मेंबर है सिग्मा का, बट मैक्सिमल आइडियल जरूरी नहीं है हो। ओके, इट इज नॉट नेसेसरली मैक्सिमल आइडियल। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, मैक्सिमल एलिमेंट है सिग्मा का बट नॉट नेसेसरली मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि हम सिग्मा में सारे प्रॉपर आइडियल को कवर नहीं कर रहे हैं। सिग्मा में हम सारे, वी आर नॉट कवरिंग ऑल द प्रॉपर आइडियल्स ऑफ सिग्मा। सिग्मा में हम सिर्फ वही आइडियल दे रहे हैं जिनमें एक्स रेज टू पावर के बिलोंग नहीं करता है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के। सो वी आर नॉट एक्चुअली कवरिंग ऑल द प्रॉपर आइडियल्स ऑफ सिग्मा। सो वी कैन नॉट से हियर दैट पी इज ए मैक्सिमल आइडियल, जस्ट इट इज ए मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ सिग्मा। सो वंस इट इज ए मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ सिग्मा, इट इज एन आइडियल इन फैक्ट, एंड यूजिंग इट्स मैक्सिमलिटी इन सिग्मा वी हैव जस्ट शोन दैट इट इज ए प्राइम आइडियल। तो ये प्राइम आइडियल हमने दिखा दिया, तो यहाँ बाकी चीजें तो हम पहले ही कर चुके हैं, रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डन। सो वी हैव जस्ट सीन दैट द नील रेडिकल इज एक्चुअली द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम आइडियल ऑफ ए रिंग। सो आई विल स्टॉप हियर, इफ यू हैव क्वेश्चन प्लीज आस्क, आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। पूछिए भाई सवाल। हाँ, अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, है ना, दो बातें हैं फिर। इफ यू डोंट आस्क आई वुड आस्क यू। समझ में आ रहा है भाई ये? सर इस प्रूफ की स्टार्टिंग में थोड़ा सर कंफ्यूजन हो गया। सर कहाँ से? ये लिया ना, हमने कंसिडर है प्राइम आइडियल पी ऑफ ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एम। सर हमने लिया ना इसको एक्स एस एक्स ये एक्स इंटू एक्स के माइनस वन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर के। सर हमने कहीं पर के मेंशन ही नहीं किया कि ये के इसके लिए मतलब एक्स टू द पावर के 0 होगा। सर ये वही सर नहीं, एक्स ये एक्स हमने एन में लिया ना, एक्स तो हमने एन जी में सर लिया, सर तो एक्स हाँ वो मतलब एन हाँ क्या है? नीलपोटेंट एन तो सेट ऑफ जी सर निलपोटेंट एलिमेंट्स है, तो एक्स रेज टू पावर के तो 0 होगा ना फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक ओके है, सर सर वो मेंशन ही नहीं किया था कि कहीं कहीं सर मुझे कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, ये तो जस्ट, ये तो ठीक अंडरस्टूड है, चूंकि नील पोटेंट एलिमेंट है तो इसकी कोई ना कोई पावर तो 0 होगी, वही हम कर रहे हैं। ओके लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर एक्स रेज टू पावर के 0 है तो 0, तो इसका मतलब है एक्स भी 0 है। हमने ये यहाँ आर्गू किया कि एक्स भी 0 है, ठीक है ना। हमने पी की प्राइमनेस का यूज किया एक्चुअली टू शो दैट इट इज ऑल्सो 0। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, यहाँ पूछो भाई सवाल पूछो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा आपसे। एनीबॉडी फ्रॉम बॉयज? एक बंदे ने कुछ उस दिन पूछा था, वो कहाँ है, हु इज, वेयर इज ही, जिसने कुछ एग्जाम्पल पूछी थी मुझसे। जरा अपना वीडियो ऑन करो। ऑन योर वीडियोस। वो कौन था? बासित था शायद। बासित, आप कहाँ हो? बासित, मीर बासित, कोई है यहाँ मीर बासित? मैं देख रहा हूँ इसको, वेयर आर यू? आप भाई अब्दुल्ला आरिफ,
समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अपना ही अनम्यूट करो। समझ में आ रहा है? जी सर, भाई अभी शुरुआत है, 30% देखो। है 30% सर। अभी तो आगाज है ना, अभी अगर आपको डाउट्स हैं तो वो क्लियर करो, ठीक है? आगे तो हम यस सर। जो जो हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा ना, मैं फिफ्थ गियर में जाऊंगा, तो तब फिर जो है, अभी मैं पहली दूसरी गियर में चला रहा हूँ गाड़ी को, ठीक है? यस सर। आई विल जब पांचवी गियर में चलेगी तो फिर हु इज रोल नंबर फाइव? रोल नंबर फाइव आपका क्या नाम है? हाँ, अनम्यूट करो भाई। आपका क्या नाम है? आतिक शर्मा सर। आता है समझ? यस सर। रोल नंबर ये कौन है? 30 आपको समझ में आता है जी सर। पूरा? सर आता है, लेकिन आप थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अभी मैं पहली गियर दूसरी में चल रहा हूँ। अभी तो जब मैं चलूंगा आप आगे फास्ट, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जहाँ समझ में नहीं आता, यू कैन जस्ट देखो, जहाँ समझ में नहीं आ रहा मुझे, आप पूछ सकते हैं ना। इसीलिए यस सर। मैं आपको कहता हूँ आप क्वेश्चन पूछो, लेकिन आप पूछते नहीं हो। रोल नंबर 41 तुम्हें समझ में आता है भाई? रोल नंबर 21 कौन है जिनके चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं? आता है समझ? यस सर। गुड। रोल नंबर 29 जी सर। आता है समझ? यस। 16 रोल नंबर 16 जी सर। 49 जी सर। 14 14 कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अयाजुल इस्लाम शाह सर। चलो गुड। एक्चुअली मैंने आपको कभी पढ़ाया नहीं है यार, मैं आपके चेहरे को जानता नहीं हूँ, है ना? तो अच्छा है, चेहरे भी देख लूँगा आपके, ठीक है? इंशाल्लाह सर। रोल नंबर और कौन है ये? रोल नंबर 2 सर। 28 31 25 46 यस आता है। 38 यस सर। सी आर कहाँ है? सी आर आपका है यहाँ? सी आर ने आज ज्वाइन नहीं किया क्लास? तो ठीक है, आज इतने ही रखेंगे। आप अटेंडेंस मुझे भेज देना, डिप्टी सीआर हो ना आप, 31 आप अटेंडेंस ले लो, फिर मुझे सेंड कर देना।